हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक पोयम पढ़ेंगे जो है डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। पहले हम जानेंगे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। डस्ट मतलब होता है धूल और स्नो मतलब होता है बर्फ, यानी बर्फ की धूल। द वे अ क्रो, जिस तरह एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया। क्या द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल गिरा दिया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरा दिया, एक हेमलॉक ट्री से। अब यहाँ हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री क्या होता है, हेमलॉक ट्री जो होता है एक पॉइजनस प्लांट होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिस पे बर्फ पड़ी है और कौवे ने पोएट के ऊपर गिरा दिया। हैज़ गिवन माई हर्ट, इसने मेरे दिल का अ चेंज ऑफ मूड, मूड बदल दिया। उसने पोएट के दिल का मूड बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और पोएट के उस दिन का समय, जो कीमती समय था, उसने बचा लिया बर्बाद होने से, जो जिस पर उसे पछतावा था। इस पोएट की मतलब कि समरी हम बता देते हैं आपको शॉर्ट में। ये जो पोएम है ये कंपोज्ड की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और इस पोएम में जो पोएट होता है एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा होता है। हेमलॉक ट्री क्या होता है कि एक पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रकार का ये पौधा है जो पाया, मतलब एक पेड़ है जो पाया जाता है, जिस पे बर्फ पड़ी होती है और उसके नीचे ये बैठा रहता है। अचानक एक कौवा आता है और जो बर्फ पड़ी होती है उस पेड़ पे, जो बर्फ पड़ी होती है उसको गिरा देता है उसके ऊपर, और उसके उस बर्फ के गिरने से उस पोएट का जो मूड होता है अचानक बदल जाता है, और जो कीमती जो उसका समय होता है वो बर्बाद होने से बच जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।